काला कबूतर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कश्मीर मुद्दे के रोजाना शोर में गिलगित बाल्टिस्तान को भारतीय नजरअंदाज कर देते हैं। कश्मीर की तरह गिलगित और बाल्टिस्तान भी विवादित है। हालांकि कई भारतीय गिलगित बाल्टिस्तान की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक परिस्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। दरअसल संपूर्ण जम्मू और कश्मीर में से पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर घाटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में एक बहुत बड़ा इलाका भी 1947 से पाकिस्तान के अधिकार में है और यही हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। '63 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का 7,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एक संधि के तहत चीन को सौंप दिया था। 1947 से पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान पर औने पौने कानूनों की मदद से क्षेत्र को स्वायत्तता का नकली मुखौटा पहनाकर शासन करता आ रहा है, जो कि अवैध है। भौगोलिक रूप से गिलगित बाल्टिस्तान ऐसी जगह पर स्थित है जिसके आधिपत्य के लिए प्राचीन काल से ही चीनी, तिब्बती और बौद्ध शासकों ने कई लड़ाइयां लड़ी और लड़ाइयों के नतीजे के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान के शासक भी बदलते रहे। भारतीय उपमहाद्वीप को चीन के उइगुर प्रांत से जोड़ने वाला सामरिक रूप से महत्वपूर्ण काराकोरम दर्रा यानी काराकोरम पास यहीं मौजूद है। 14वीं शताब्दी में इस इलाके में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और 19वीं शताब्दी में 1840 तक यहाँ इस्लामिक शासकों का राज्य रहा। गिलगित बाल्टिस्तान सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण है, भारत के लिए मध्य एशिया का सीधा रास्ता और चीन के लिए वन बेल्ट वन रोड। 8,000 मीटर या उससे ज्यादा की ऊंचाई के 5 पर्वत शिखर, 7,000 मीटर या उससे ज्यादा की ऊंचाई के 50 से ज्यादा पर्वत शिखर, दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर यानी पेयजल के भविष्य के सबसे बड़े स्रोत और पर्यटन की अपार संभावनाएं। तो 1947 में क्या हुआ, कैसे अंग्रेजों ने गिलगित बाल्टिस्तान को तश्तरी में रखकर पाकिस्तान को भेंट कर दिया। सन 1840 को जम्मू कश्मीर के डोगरा राजपूत राजवंश के संस्थापक गुलाब सिंह के प्रख्यात सैन्य जनरल जोरावर सिंह ने गिलगित बाल्टिस्तान पर एक सैन्य अभियान के बाद आधिपत्य जमाया। 1935 में सोवियत संघ की मध्य एशिया में बढ़ते वर्चस्व के मद्देनजर ब्रिटेन ने गिलगित बाल्टिस्तान को 60 सालों तक महाराजा हरि सिंह से लीज पर ले लिया। ऐसा करने का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सोने की चिड़िया भारतीय उपमहाद्वीप को किसी कम्युनिस्ट खतरे से सुरक्षित रखना था। भारत की स्वाधीनता से ठीक पहले 1 अगस्त को ब्रिटेन ने यह लीज रद्द कर इलाके का नियंत्रण वापस कश्मीर की रियासत को दे दिया। तत्कालीन शासक हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को वहां का गवर्नर नियुक्त किया और तभी से शुरू हुई एक ऐसी ब्रिटानिया साजिश जिसकी सारी परतें खुलना अभी भी शेष है। गिलगित बाल्टिस्तान में कानून व्यवस्था का प्रबंध ब्रिटिश अफसरों द्वारा संचालित गिलगित स्काउट्स देखा करती थी। वास्तव में क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की कमान गिलगित स्काउट्स के प्रभारी ब्रिटिश अफसरों मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन और कैप्टन A.S. मैथिसन के हाथों में थी। परंपरा के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान की ब्रिटिश लीज रद्द होने पर इन दोनों अफसरों को महाराजा हरि सिंह के प्रति वफादारी की शपथ लेनी थी। इतिहासकार एलिस्टर लैम के अनुसार ये दोनों ब्रिटिश अफसर काफी पहले से ही महाराजा हरि सिंह को चूना लगाने की तैयारी कर चुके थे और इन्होंने ये शपथ किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर नहीं ली बल्कि धोखे से ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी डिक्शनरी पर ली। 26 अक्टूबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ भारत का आधिकारिक रूप से हिस्सा बन गया, मगर पाकिस्तान समर्थित लड़ाके कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर काबिज हो चुके थे। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच 31 अक्टूबर को मेजर ब्राउन की अगुवाई में गिलगित के गवर्नर हाउस को घेर लिया गया और गवर्नर घनसारा सिंह को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया। 2 नवंबर को मेजर ब्राउन ने गवर्नर हाउस और अपने मुख्यालय पर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। मेजर ब्राउन और कैप्टन मैथिसन ने गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा स्वीकार कर लिया था। इस बात की खबर मिलने पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों यहां तक कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के गवर्नर सर जॉर्ज कनिंगन ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे
गिलगित बल्टिस्तान का हक उसके कानूनी हकदार भारत को दिया जाता। इस धूर्तता के बाद भारत के जले पर नमक छिड़कते हुए बिना किसी स्पष्टीकरण के 1948 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज ने मेजर ब्राउन को मोस्ट एग्जॉल्टेड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भी दे दिया। इस बीच गिलगित स्काउट्स के ज्यादातर हिंदू, सिख या फिर भारतीय कश्मीर रियासत के हितों के प्रति वफादार मुस्लिम जवानों को भी या तो उन्हीं के साथियों ने मार दिया या बंदी बना लिया। ठंड के समय में कारगिल से गिलगित बाल्टिस्तान का रास्ता बंद था। रसद और हथियार पहुंचाने का एकमात्र रास्ता पेशावर से खुला था। नतीजन पाकिस्तानी हमलावर गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में निर्विरोध आगे बढ़ते चले गए। जम्मू कश्मीर रियासत की सेना के मेजर शेर जंग थापा के नेतृत्व में बचे खुचे जवानों ने फरवरी से अगस्त तक यानी 6 महीने तक स्कर्दू शहर के बाहर हमलावरों को रोके रखा। अंततः उन्हें भी रसद और हथियार की कमी के कारण आत्मसमर्पण करना पड़ा। मेजर थापा के सभी साथी जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख के करीबी होने के कारण मेजर थापा की जान बख्श दी गई। उनकी स्कर्दू में की गई मोर्चाबंदी के कारण बाद में उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इस बीच विभाजन की तय शर्तों के मुताबिक भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना की कमान ब्रिटिश अफसरों के हाथों में ही थी। जहां पाकिस्तानी वायुसेना की कमान संभाले ब्रिटिश अफसर गिलगित की तरफ हवाई रास्ते से रसद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, वहीं ब्रिटिश अफसरों ने भारतीय वायुसेना को गिलगित बाल्टिस्तान में कोई भी हवाई मिशन नहीं करने दिया। मई 1948 तक गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से आगे बढ़ रहे हमलावरों के कब्जे में कारगिल तक आ चुका था और लेह उनके निशाने पर था, मगर मई के महीने में भारतीय सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना की जीत का सिलसिला जारी रहा, मगर अगस्त 1948 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई और 73,000 वर्ग किलोमीटर का गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका भारत के हाथ से जाता रहा। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान अस्पष्ट और अस्थायी कानूनों की मदद से गिलगित बाल्टिस्तान पर काबिज है। पाकिस्तान क्षेत्र की स्वायत्तता का दावा तो करता है, मगर यह दावे झूठे और आधारहीन ही है। पाकिस्तान का दावा है कि 1949 में कश्मीर के इलाके के नेता चौधरी गुलाम अब्बास ने गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से कराची में एक संधि पर हस्ताक्षर कर गिलगित बाल्टिस्तान का स्वामित्व पाकिस्तान को दे दिया था। हास्यास्पद बात यह है कि ऐसे किसी भी समझौते या दस्तावेज का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद ही नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान आज भी दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार अपने राज के अंतिम दिनों अंग्रेजों ने भारत के साथ यह दोहरा खेल क्यों खेला। इस प्रश्न का कोई एक सीधा उत्तर नहीं है और सारे संभावित उत्तरों का कोई प्रामाणिक आधार भी नहीं है। हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और सोवियत संघ का हवा ब्रिटेन और अमेरिका के सर चढ़ चुका था। 19वीं सदी से ही अंग्रेज रूस के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान में रणनीतियां बनाते रहे थे। गिलगित बाल्टिस्तान से मध्य एशिया और चीन का रास्ता खुलता है। भूतपूर्व सोवियत गणराज्य तजाकिस्तान से गिलगित की दूरी मात्र 95 किलोमीटर है। सामरिक तौर पर यह इलाका भारत के बजाय पाकिस्तान के आधिपत्य में होना ब्रिटिश हितों के लिए ज्यादा बेहतर था, क्योंकि विश्व स्तर पर पाकिस्तान बिना सोचे समझे ब्रिटेन और अमेरिका का पिछलग्गू बनने के लिए शुरू से ही तैयार खड़ा था। इसके अलावा ब्रिटिश राजनीति में बहुत से लोग प्रारंभ से ही भारतीय हितों के विरोध में थे। विंस्टन चर्चिल तो घोर भारत विरोधी थे ही। जिन्ना और चर्चिल के भारत निंदा से भरपूर कई पत्राचार मिले हैं, जिसमें दोनों ने भारत को कमजोर बनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। इस पत्राचार को चर्चिल इतना गुप्त रखते थे कि वो अपनी महिला सहायिका के नाम से जिन्ना को पत्र लिखा करते थे। इस मुद्दे का विश्लेषण गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के नजरिए से भी जरूरी है। गिलगित बाल्टिस्तान की जनसंख्या धर्म से मुस्लिम है और सांस्कृतिक रूप से लेह और लद्दाख के लोगों के करीब है।
1947 के समय भी इनकी पहचान कश्मीरियों से अलग थी। क्षेत्र की आम जनता के बीच जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा अलोकप्रिय थे और कश्मीर घाटी के मुसलमानों के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। वस्तुतः 1947 में गिलगित बाल्टिस्तान में एक अलग अलगाववादी लहर भी मौजूद थी, जिसका लक्ष्य गिलगित बाल्टिस्तान की संपूर्ण स्वतंत्रता था। मेजर ब्राउन के द्वारा की गए टकता पलट के बाद इस अलगाववादी आंदोलन का हिंसक संघर्ष के बाद सफाया कर दिया गया था। कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच ये तलखी आज भी मौजूद है और इसी कारण पाकिस्तान कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को दो अलग प्रशासनिक इकाइयों या प्रांत के रूप में रखने के लिए मजबूर है। 1947 के विस्फोटक सांप्रदायिक माहौल में अगर भारत गिलगित बाल्टिस्तान पर संपूर्ण रूप से अधिकार करने में कामयाब भी हो जाता तो उसे भारी जन विरोध का सामना करना पड़ता। परंतु इतने बड़े इलाके से पाकिस्तानी सेना और उसके द्वारा समर्थित लड़ाकों को मार भगाने की सैन्य और शायद राजनीतिक सामर्थ्य भारत में उस समय नहीं थी। 2017 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पास कर पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जे को अवैध करार दिया, पर शायद ब्रिटेन को इस मुद्दे की जवाबदेही भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेजर ब्राउन ने अपने संस्मरण में 1947 के गिलगित बाल्टिस्तान के नाटकीय घटनाक्रम में खुद की भूमिका का काफी महिमा मंडन किया है। उन्होंने सोवियत और कम्युनिस्टों के डर का हवाला दिया है, साथ में ही लोकतंत्र और लोगों की भावना की दुहाई भी दी है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों को आज भी लोकतंत्र का इंतजार ही है। दुनिया के सबसे दुर्गम और पिछड़े इलाकों में से एक गिलगित बाल्टिस्तान के साथ पाकिस्तान ने अब तक गुलामों सा ही बर्ताव किया है। 1988 में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ के स्थानीय शिया और इस्माइली मुस्लिमों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। फौज की ज्यादतियों के अलावा पाकिस्तान यहाँ बाहरी इलाकों से लाकर लोगों को बसाता रहा है ताकि क्षेत्र की जनसंख्या संरचना भी बदली जा सके। गिलगित बाल्टिस्तान के इतने जटिल और संघर्षमय अस्तित्व के लिए ब्रिटेन का 1947 का दोहरा खेल कितना जिम्मेदार है, इस पर विचार करना आज काफी जरूरी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो लाइक एवं शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही बेल आइकन दबाकर काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।